खिलौने बाद में, पहले स्कूल मैं नहीं जा रहा। चल स्कूल। मैं नहीं जाऊंगा। बेटा तुझे जितने महंगे खिलौने चाहिए ना मैं दिलाऊंगा। पापा मैं ना 5 दिन बाद स्कूल जाऊंगा। क्यों बेटा? पापा मेरा ना स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं बेटा, 5 दिन बाद चल जाइए स्कूल। अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को? भाई साहब खिलौनों की जीत कर रहा है। मेरे पास 200 रुपए थे, उसकी मैंने किताब दिलवा दी, अब स्कूल जाने के लिए मना कर रहा है। तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो क्यों कंजूसी कर रहे हो? दिला दो ना बच्चे को खिलौना, खेलता रहेगा। अगर बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है तो करा दो 5-6 दिन की छुट्टी। मैं तो अपने बच्चे से कुछ नहीं कहता हूँ, जो मांगता है दिला देता हूँ। मेरे बेटे के पास बड़े बड़े महंगे खिलौने हैं, अगर इसका खेलने का मन है तो खेलने दो इसको, छुड़वा दो इसका स्कूल। मतलब आपके हिसाब से पढ़ाई से ज्यादा खिलौने जरूरी हैं? मेरे भाई खिलौने तो इसे कुछ दिन की खुशियाँ देंगे, लेकिन किताबें और पढ़ाई इसको जिंदगी भर की खुशी देंगी। आज तो आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन बड़े होने के बाद इसके लिए सबसे बुरे आप ही बनोगे। जिंदगी में खुशी इन खिलौनों से नहीं, पढ़ाई से आती है मेरे भाई। हेलो, बराबर वाला घर तुम्हारा और ये वाला घर तुम्हारा। मालिक बेबी जी के लिए। तो चुप रह, नौकर है नौकर की तरह रह, इस घर का मालिक मैं हूँ। घर के पीछे झोपड़ी है, आज से तू वहाँ रहेगी। पापा पापा घर का बंटवारा तो हो गया, अब इस घर का मालिक मैं हूँ। जाओ तुम अपना इंतजाम कर लो। बेटा ये नहीं रख रहा तो तू रख ले। पापा जाओ कहीं अपना इंतजाम कर लो। पापा आप घबराओ मत, आप मेरे साथ रहना। पापा मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। ये मनुष्य कहाँ से पैदा हो गई? मालिक साहब ये वही बेटी है जिसको आपने कभी पिता का प्यार नहीं दिया, हमेशा नफरत की, लेकिन आज आपकी बेटी ने बेटी होने का फर्ज निभा दिया। बेटियों की कदर उनसे पूछो जिनके पास बेटियां नहीं होती। पापा मुझे घड़ी दे दो, मैं घड़ी पहन के खेलूंगी। अच्छा बेटा ये लो। पापा मुझे अपना फोन दे दो, मैं खेलूंगा। लो बेटा। अगर मैंने पापा को सच बता दिया तो पापा बहुत मारेंगे। देखो जरा बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं ना। पापा ये लो अपना फोन। ये टूटा कैसे? पापा ये मैंने नहीं तोड़ा, ये पहले से टूटा पड़ा था। देख सच बता दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, पूरा फोन खराब कर दिया। पापा मैं खेल रहा था, मेरे हाथ से गिर गया। तूने इतना महंगा फोन तोड़ दिया मेरा। पापा खेलते खेलते मुझसे घड़ी टूट गई। पिटाई करो इसकी, इसने घड़ी तोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। मेरे भाई घड़ी टूट गई तो क्या हुआ, बच्चे ने बोला तो सच ना। अगर सच बोलने पे इन्हें मारोगे तो इन्हें लगेगा कि सच बोलने पर सजा मिलती है। और झूठ अच्छा है, झूठ हमें बचा लेता है। झूठ बोलकर बचना और झूठ बोलना सीख जाएंगे।